हाय फ्रेंड्स, मैं अमित जैन, आईटी गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के थ्रू किस तरीके से वाईफाई का पासवर्ड चेंज करेंगे। आपके घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है तो उसमें वाईफाई का राउटर जरूर लगा हुआ होगा, तो उसका आप पासवर्ड किस तरीके से चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करने की आवश्यकता पड़ी जाती है, क्योंकि और पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए चेंज करते रहना चाहिए हर 10-15 दिन में, महीने भर में या 2 महीने में, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो पासवर्ड चेंज करता रहना चाहिए ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। तो आज मैं उसको किस तरीके से चेंज करते हैं, वो भी मोबाइल के थ्रू, वो आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे आपका वाईफाई का राउटर टेंडा का हो, डी लिंक का हो या टीपी लिंक का हो, कोई सी भी कंपनी का हो, तरीका लगभग सेम होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से अपन चेंज करेंगे। दोस्तों, जैसे मेरे पास ये टेंडा का वाईफाई राउटर है, इसके पीछे यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा होता है, इसके पीछे आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है। आप जो भी जिस भी आपको वाईफाई के राउटर का पासवर्ड चेंज करना है उसके पीछे आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो फिर आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो उसमें आपको उसका लॉगिन आईडी जो आईपी है वो मिल जाएगा, और उसके बाद उसका पासवर्ड और यूजर नेम वो भी आपको चाहिए होगा। लेकिन वो किस तरीके से ढूंढोगे, आप या तो आप गूगल पे सर्च कर लो उसका मॉडल नंबर डाल के, या फिर इसके पीछे ही, इस राउटर के पीछे ही उसका आईडी पासवर्ड भी लिखा हुआ होता है किसी किसी में, और किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है और किसी किसी में नहीं हो पाता। तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए उसका आईडी पासवर्ड क्या है, आपको डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और आगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पे किस तरीके से चेंज कर। दोस्तों, सबसे पहले आपका मोबाइल उस वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए जिस वाईफाई का पासवर्ड आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं वाईफाई में, और यहाँ पे मुझे इस टेंडा का अपन को चेंज करना है। तो ये मैंने टेंडा को सेलेक्ट किया और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ पहले, और मुझे इस वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है। ठीक है, मैंने इससे कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है। मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पे इसका आईपी लिखा मैंने 192.168.0.1, जो कि इसके बैक साइड में लिखा हुआ था। अगर नहीं होता है तो गूगल पे सर्च कर लेना है। ठीक है, ये मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद ये ओपन हो गया है। इसमें इसने पासवर्ड नहीं मांगा, किसी में पासवर्ड मांगता है, तो उसमें आईडी पासवर्ड, डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं इस 3 डॉट पे टैप किया मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस सेटिंग। इस वायरलेस सेटिंग के अंदर गया मैं, और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वाईफाई का नाम। जो भी आपको, अगर ये नाम भी चेंज करना है, इसका नेम भी चेंज करना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी मोड, आपको ये रखनी है, रिकमेंडेड वाली, लास्ट वाली। इस पर मैंने टैप कर दिया, और यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है, और आपके पहले हो सकता है यहाँ पे पासवर्ड डाला हुआ हो। अगर पासवर्ड डाला हुआ है तो वो पासवर्ड आपको यहाँ से चेंज कर देना है, और पासवर्ड ऐसा डालना है ताकि सिक्योर हो पासवर्ड। थोड़ा लंबा पासवर्ड होना चाहिए, और जिसमें सारे करेक्टर्स हो, अपने अल्फाबेटिक हो, सब कुछ मिला हुआ होना चाहिए, इस तरीके का पासवर्ड होना। ठीक है, आप शो भी करना चाहो तो यहाँ से शो कर सकते हो। ये मैंने इसको पासवर्ड डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ओके पे टैप किया, देन ओके, ये पासवर्ड मेरा सेव सक्सेसफुली हो गया। इस तरीके से आप किसी भी वाईफाई राउटर का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आप उसमें वायरलेस सेटिंग के अंदर जाओगे, सबके अंदर आपको वायरलेस सेटिंग मिलेगी, और वायरलेस सेटिंग मिलेगी उसके अंदर बेसिक सेटिंग में चले जाना, या तो यह सीधा वायरलेस सेटिंग में चले जाना, और उसके अंदर आपको सिक्योरिटी मोड मिलेगा, और सिक्योरिटी मोड के अंदर आपको नीचे पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, और उस पासवर्ड को आपको चेंज करना है, और देन ओके करके सेव करके और उसको सेव कर देना है। बस इतना सा ही करना है, और आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।